70 साल से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आम आदमी को मईशत जैसा बुनियादी मौजू तक समझ नहीं आता जिससे उसके सारे मसाइल जुड़े हैं। होशरुबा महंगाई और बेरोजगारी की बुनियादी वजूहात को लिफाजी के जाल में लपेट कर बार बार नई पैकेजिंग में पेश कर दिया जाता है। हर आने वाला जाने वाले पे जिम्मेदारी आयद करके खुद पतली गली से निकल जाता है और हल की तरफ कोई नहीं आता। किताबी बातों से परे आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम पाकिस्तान के माशी माहिरीन से कराएंगे आपकी बात, जिनका ताल्लुक बराहे रास्त सहाफत, सियासत और मईशत से है। बात होगी आपके मसाइल, वजूहात और उनके हल पर। हमारी मईशत की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, फैसला आप खुद करें। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि साल 2013 से 2017 तक पाकिस्तानी मईशत को जिस तरह हैंडल किया गया है, खसूसन इसहाक डार की जानिब से, डॉलर को पैक करना हमारी मईशत के लिए जहरे कातिल साबित हुआ। माशी माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? या कैमरा में दिखा दे कौम को, ये मैंने फ्रेम कराया हुआ, ये कभी आईएमएफ में कभी हुआ नहीं है ये कि 108 रुपए डॉलर था हमारा, उसको हम 98 पे ले आए, सिर्फ इसलिए कि शेख रसीद साहब ने कहा था कि 100 से नीचे ला कर दिखा दो। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ऐसी तरह से हम तुम्हें ला कर दिखाते हैं। वो सऊदी अरब से हमें कोई 1.5 बिलियन डॉलर मिला था जैसे गिफ्ट के तौर पे, हमने मार्केट में फेंक दिया, हमने फेंका मार्केट पे एकदम नीचे आ गया। ठीक है, तो ये मैं इसमें मैंने लिखा है कि आईएमएफ ने अपने रिलीजन को बदल दिया। मैंने आर्टिकल लिखा था इस पे, ए टेल ऑफ टू एड्स के नाम पे। ठीक है, एक उस जमाने के एप्टोमा वालों को हमने फोर्स किया कि हम एक्सचेंज रेट को नीचे ला रहे हैं, तुम एक ऐड दो अखबार में कि वो तारीफ करो। उन बेचारों ने तारीफ कर दी, जबरदस्त काम किया, जबरदस्त, ए टेल ऑफ टू एड्स में आर्टिकल भी था उसमें। उसके बाद क्या हुआ, दो हफ्ते के बाद उनकी जान निकल गई, क्योंकि जब एक डॉलर लाते थे तो 108 रुपया मिल रहा था, अब वही एक डॉलर कमा के ला रहे हैं, उनको 98 मिल रहा, उनको नुकसान होने लगा। उन्होंने फिर शोर मचाया, ठीक है कि जी ये तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो उसी पे मैंने लिखा था ए टेल ऑफ टू एड्स, और मैंने फिर उस वक्त के जो लोग थे एप्टोमा के करता धरता, मैंने उनको जब कॉल किया, उन्होंने कहा सर हमारी मजबूरी थी, हम पे बहुत प्रेशर डाला गया था कि हम ये ऐड दें, ये दूसरा ऐड हम इसलिए दे रहे हैं कि जी हम मारे गए हैं इसलिए। तो इस किस्म के पॉलिसीज तो हम करते रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि उन्होंने ज़बरदस्ती नीचे ले आए, और इसलिए मैंने इसको फ्रेम कराया, और ये मैंने आईएमएफ के लोगों को भी भेजा था इस फ्रेम की तस्वीर बना के, जितने भी इस वक्त के करता धरता थे सबको भेजा। मैंने कहा ये बताओ वेर तुमने क्या अपने रिलीजन बदल दी है, जिस तरह से कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए या मुसलमान से हिंदू हो जाए, रिलीजन तब्दील हो रहा है ना। आईएमएफ का रिलीजन चेंज हो गया, आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए कोई मुल्क उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए, 108 से 98 पे आ जाए, ये सिंपली अनथिंकेबल है। ये उसी वक्त हो सकता है कि आईएमएफ अपने रिलीजन को चेंज कर दे, इसीलिए मैंने इसमें लिखा भी था कि क्या आईएमएफ ने अपने रिलीजन को बदल दिया। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, जब खामोशी छाई हुई थी। उनका रिप्रेजेंटेटिव था तौकीर मिर्ज़ा आयोफ, वो भी चुप खामोश, क्योंकि उनको हुक्म था आँख और कान बंद करके रखो। आज की सिचुएशन को हम 2018 ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उस वक्त भी 4 से 5 साल तकरीबन ऑलमोस्ट गुजर गए, मगर जब भी हम डॉलर को पैक करने की कोशिश करते हैं उससे महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में हमें नुकसान ही होता है। तो अभी जो भी हालात चल रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले साल 3 महीने के लिए तकरीबन हमने डॉलर को पैक करके फिक्स करके रखा था, जिससे मार्केट में डिस्टॉर्शन आ गई थी, जिसकी वजह से इम्बैलेंसिंग आउट हो गई थी, एंड वी आर इन अ बैड स्टेट राइट नाउ। सो यस, जब भी अब एसेंशियली हम डॉलर की
प्राइस फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हमें उससे नुकसान ही होता है। देखिए, डार साहब की एक मिथ बनी हुई थी। वैसे तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जब भी डार साहब आए हैं तो इस मुल्क में क्राइसिस आया है। 1998 के ज़माने में भी जब डार साहब आए थे, उस वक्त हमारा डेट रीस्ट्रक्चर हुआ, उस वक्त भी हमने इकोनॉमिक डिफॉल्ट किया, हमने अपना इकोनॉमिक डिफॉल्ट किया था, डेट रीस्ट्रक्चर किया था, और डार साहब के होते हुए जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 11 अरब डॉलर के लोगों के थे और स्टेट बैंक के उस वक्त 1 बिलियन डॉलर से कम थे, वो आपने फ्रीज कर दिए। वो 11 अरब डॉलर के जो फ्रीज किए, वो जो मिसट्रस्ट पैदा हुआ, वो आज भी वापस नहीं आ सका। आज भी 6 अरब 7 अरब डॉलर से ऊपर ये रिजर्व नहीं गए। 2013 के बाद जब डार साहब आए, तो जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि उस वक्त आपको हेडविंड दो तीन मिल गई थी, कि एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक की डिसीजन बेहतर थी, IMF के वेवर्स मिलते रहे। मैं आपको इसका असल जवाब देता हूँ, और वो यूँ है कि एक तो एक पॉलिसी देखकर आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते किसी मुल्क की इकॉनमी की सिचुएशन। नंबर दो, ये जो रुपये की कदर है, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करता पर आपके लिए कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के फंडामेंटल पैदावारी सलाहियत कंपेयर टू जो दूसरे ममालिक हैं उनकी पैदावारी सलाहियत पर डिटरमिन होती है। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बहुत कमज़ोर है हर तरह से, लेबर की भी, इंडस्ट्री की भी, एग्रीकल्चर की भी। सो आप ये सकत ही नहीं रखते कि कुछ बेच सकें बाहर ताकि आप कुछ ख़रीदने के काबिल हों, इसलिए फंडामेंटली आपके रुपए पे प्रेशर रहता है, पेग्ड और नॉन पेग्ड। पर रुपया एक इंस्ट्रूमेंट है जो आजकल के दौर में, मैं जिस मुल्क से काम करके आया, उन्होंने 90 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में इसको अनपैक किया था और मार्केट पे छोड़ा था, और वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, अगर इंपोर्ट बहुत हो रही है और रुपया वीक हो जाए तो वो कम हो जाए। ये बात दुरुस्त है कि हमें उस सिम्त में ही जाना चाहिए, और अब हम चले गए हैं, पर एक पॉलिसी कभी भी नहीं डिटरमिन करती। इस पर मैं एक फंडामेंटल आपको और चीज़ बताऊँ कि जो इन द शॉर्ट रन है, वो इसमें मैनिपुलेशन पाउंड में भी हुई है, किसी भी करेंसी में हो सकती है, और वो पाकिस्तान में बहुत रहती है बिकॉज ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है। सो वो जो शॉर्ट रन मूवमेंट है उसकी वो डिटरमिन करता है, बट द फंडामेंटल्स विल ऑलवेज डिटरमिन, हमारी पैदावारी सलाहियत डिटरमिन करेगी कि इन द लॉन्ग रन रुपया कहाँ जाएगा। पर इस पर एक जेनेरिक कॉमेंट ये है, मैंने हर पार्टी के साथ काम किया, आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट रिगार्ड कि हर पोलिटिकल पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं हर एक को अब ये बहुत ही हमदर्दाना एडवाइस करता हूँ कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप ग्रैनुलर लेवल पर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म का पैकेज बनाइए। हर पार्टी जब आई है तो ऑब्वियसली बिकॉज एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में रही है, तो वो शायद उस प्रेपरेशन से नहीं आई जिस प्रेपरेशन से उसको सामना करना था उन मुश्किल हालात का, और वो शॉर्ट रन में इतना वक्त गुजार देती है, वो डे टू डे मसाइल हल करने में इतना वक्त गुजार देती है कि जो पाकिस्तान के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल सोशल इश्यूज़ हैं वो पसे पुश्त चले जाते हैं, और IMF के प्रोग्राम के अलावा आप कुछ भी नहीं सुनते। पाकिस्तान्स इश्यूज आर ऑफ लॉन्ग रन, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट रन रेमेडीज ऑफ IMF से। वक्त आज ये है कि जिसने भी अगली हुकूमत संभालनी है वो एक इंसान पर मत भरोसा करे, वो उस टीम के साथ आए जो कॉम्पिटेंटली इस इकॉनमी को सुधार सके अपनी थिंकिंग से, और ना ही मल्टीलैटरल्स या फॉरेन कंसल्टेंट्स की थिंकिंग से, लोकल डॉक्टर से लोकल सर्जरी। वंस वी मूव टू अ फ्री मार्केट पोजिशन, देन पेगिंग ऑफ द US डॉलर इज समथिंग रॉन्ग, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। और हम कहते क्या हैं पेगिंग ऑफ द US डॉलर में, दैट वी इंजेक्ट डॉलर्स इनटू द मार्केट टू कंट्रोल द डॉलर रेट। नाउ प्रिंसिपली दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन व्हेनेवर वी डू दैट, एंड I personally don't agree with Dar Saab on this policy. We should let the market determine whatever it is, and we should not try to control the market. If we have gone to the free market system, if we want to go back to the exchange control system, what used to be in Pakistan, then we should decide to go back. We should not, you know, try to stay in between and try to disturb the economy again. The way it should be. So either we should go back to the exchange control system or we should leave it
to the market to determine whatever it is. So I personally don't agree to this controlling of the exchange rate. देखे एक और चीज़ ध्यान में रख लें, शायद पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है और जिनको पता है वो चुप रहते हैं। IMF का जो प्रोग्राम होता है ना, वो कोई इकोनॉमी वाला प्रोग्राम नहीं होता है, वो एक सियासी प्रोग्राम है। वो डिपेंड करता है, उसके जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात जो IMF के जो मेजर शेयर होल्डर हैं उनके साथ कैसे हैं। अगर उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो IMF वाला अपनी आँख और कान को बंद कर लेगा। अगर आप उनके एजेंडा के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनका आँख और कान पीछे की तरफ चला जाता है, दे विल बिकम वेरी रूथलेस। ठीक है, तो जो आप जिस पीरियड का जिक्र कर रहे हैं 2013 से 2017 तक का, 18 तक का, मेरे नज़दीक वो IMF का प्रोग्राम नहीं था। लेट मी रिपीट विथ ऑल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, दैट वॉज नॉट एन IMF प्रोग्राम। यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को, उस वक्त की हुकूमत को पैसा देना चाहता था तो उसके लिए उसको कांग्रेस का रास्ता लेना पड़ता और वो बड़ा लंबा रास्ता होता है कांग्रेस का। कांग्रेस फिर उसमें से बहुत सारे शरारत डाल देती हैं। वो अमेरिका ने अवॉइड करने की कोशिश की, उन्होंने इनसे कहा कि यार तुम आ जाओ IMF में, हम वहाँ से पैसे तुम्हें दिलवा देते हैं। 2013 में हम जो IMF में गए, उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 billion का था, विच वॉज 1% ऑफ GDP था उस वक्त के। एंड दिस इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर एनी डेवलपिंग कंट्रीज टू बी इन, कि जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 billion का है, उसको कोई इशू नहीं था IMF में जाने के लिए। IMF तो उस वक्त जाते हैं जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हैवी हो और आपकी डेट की पेमेंट भी बहुत हैवी हो, आपके पास डॉलर नहीं है, तो फिर आप जाते हैं डॉलर की खातिर। उस वक्त कोई इस किस्म की कैफियत नहीं थी, लेकिन वो गए क्योंकि उनको कहा गया था कि उधर से आ जाओ, हम तुम्हें पैसा दिला देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि दैट वॉज नॉट एन IMF प्रोग्राम, क्योंकि वो प्रोग्राम के जितने भी रिव्यू होता रहा वो लॉन्ग डिस्टेंस होता था, वो सब दुबई में होती थी मीटिंग उसकी। जो दार साहब ने कहा उन्होंने आमना सादा भी ना कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने उसमें की है जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उस वक्त के IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव था, तौकीर मिर्ज़ायोफ उसका नाम था, उसको मैं कहता था कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो, उसको चुप रहता था, एक लफ्ज नहीं बोलता था वो। तो मेरे नज़दीक वो प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हमने 15 वेवर लिए थे एक प्रोग्राम में। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द IMF के एक प्रोग्राम में जिसने 15 वेवर दे दिए हों। आज ये प्रोग्राम चल रहा है, एक वेवर भी नहीं मिला। तो इसलिए ये चूँकि उनकी मंशा थी कि तुम आ जाओ IMF में, हम तुम्हें वहाँ से पैसे $6 या $6.5 billion का हमें उन्होंने दिलवा दिया, बट ठीक था सब कुछ है। दार साहब ने एक्सचेंज रेट को, जैसा आपने कहा, शेख रशीद को नीचा दिखाने के खातिर उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया। $108 per dollar था, ये मेरे पास वो रखा हुआ है, मैं कहूँगा आप दिखाएं ज़रा सा, मैंने फ्रेम करके रखा हुआ, लिया फ्रेम उठा के लिया। अब वो हेडविंड मिल गया और उस सारी चीज़ों के बाद CPEC की सारी ये चीज़ों के साथ एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इकोनॉमी को हम एक ओवर पाथ पे लेके जाते, लेकिन उन्होंने जब IMF प्रोग्राम 2016 में ख़त्म हुआ तो हम $24 अरब के रिज़र्व पे थे, उन्होंने $2 billion के हिसाब से तकरीबन मंथली रिज़र्व फूकना शुरू कर दिए करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट रेट 6% से ऊपर नहीं लेके गए, करेंसी को उन्होंने पैग रखा और उन्होंने एक स्टेज सेट कर दिया था कि जिसके बाद क्राइसिस आएगा और डेट सस्टेनेबल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब में तो जितना इसको कहा जाए वो डार साहब को का ही करना है। और ये लेकिन चूंकि उस जमाने में इन्फ्लेशन लो थी, करेंसी पैग थी, ग्रोथ अच्छी थी, तो एक उम्मीद बन गई कि जी डार साहब बड़ा अच्छा चला रहे थे, 2016 के अंदर नवाज शरीफ को निकाला तो चीज़ें ख़राब होने लगी।
बड़ी अच्छी बात है लोगों को ये पता चला आज के दो डार साहब जब दोबारा आए तो उनका वो मिथ, अभी उन्हें आए हुए कुछ 8 महीने भी नहीं हुए हैं और उनका मिथ 3 महीने में 4 महीने में ऐसा ख़त्म हुआ, वो बबल ऐसे बस्ट हुआ। और आप एक और चीज़ देखें, जब भी डार साहब आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल इकॉनमी बढ़ जाती है, जब भी डार साहब आते हैं तो पाकिस्तान में हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ जाता है। 1998 में देखें, उससे पहले 1992 में नवाज शरीफ आए, 2013 से 16 में देखें और अब देखें हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा हुआ है। जो वर्कर रिमिटेंसेस फॉर्मर चैनल में आती हैं उनको जो इंसेंटिव दिए गए थे 2008-09 में, वो 2013-14 में उन्होंने रोल बैक कर दिए और अभी फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तो डार साहब के आते हुए कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि ये ग्रे का कारोबार बढ़ जाता है, पैसा आना जाना ग्रे से बढ़ जाता है। तो ये क्या इत्तफाक है, ये डिज़ाइन है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा होता है। और ये डार साहब का मिट बिल्कुल ब्रेक हो गया है। 2013 से 2017 तक जब तक इसाकदार थे, उस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबली पोजीशन बड़ी मुस्तकम थी अफगानिस्तान की वजह से, तो हमें बेशुमार सपोर्ट मिलता रहा अपने मुल्कों से, सऊदी अरेबिया वगैरह से और बैंकों से और वर्ल्ड बैंक वगैरह से, आईएमएफ से, और नतीजा ये कि हम अपना खसारा तो कर्ज़ों से फाइनेंस करते रहे बड़े आराम से, जिस तरह मैंने कहा कि 7 साल में इसको डबल कर दिया हमने, तो ये नामुनासिब था। और दूसरी तरफ जो बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसमें वाज़े तौर पर कमी आई, और उसकी क्या वजह, उसकी वजह यह है कि हमारे बजट में 3 बड़े आइटम हैं। सबसे बड़ा आइटम आज कर्ज़ों की सूद की पेमेंट, नंबर 2 हमारे मुल्क का हिफाजत सिक्योरिटी डिफेंस, और 3 डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट। कोई 10-15 साल पहले उनके दौर के एंड में, मुशर्रफ साहब के दौर में, नंबर 1 था डेवलपमेंट, नंबर 2 था डिफेंस और नंबर 3 था डेट सर्विसिंग। आज पोजीशन ये है कि नंबर 1 बड़े मार्जिन से कर्जों पे सूद की पेमेंट 5,200 अरब, नंबर 2 डिफेंस में, अगर आप, चूंकि मैं वजीर खजाना रह चुका हूं तो मुझे पता है कि डिफेंस के खर्चे कहां कहां दिखाए भी जाते हैं और कुछ नहीं भी दिखाए जाते, मगर मुझे पता है कि टोटल खर्चा जो डिफेंस पे है तकरीबन 2,100 अरब है। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि फेडरल गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा सिर्फ इस साल 500 अरब पे गिर चुका है। और हैरत आपको इस बात की होगी कि इस कम पैसों से फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें 1219 प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे जो खर्चा हमें करना है वो 9,000 अरब, यानी कि अगर आप 500 अरब खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 16 साल तो लगेंगे एक प्रोजेक्ट पर, ये अब नामुनासिब। 3 पर प्रायोरिटी इस वक्त हमें चाहिए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की एक खसूसियत यह है कि उनको रास्तों का बड़ा ख्याल है, उनको हाईवेज बहुत पसंद है, और मैं जब वजीर था तो जिस मोटरवे से आप आए हैं ना उसको मैंने बनाया था 90s में, कोरियन कंसल्टेंट थे, कॉन्ट्रैक्टर थे दाइवो, और मैं वजीर था उस वक्त मनसूबा बंदी का, मगर उनको बड़ा शौक़ है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, हमने साथ काम किया है। फ़र्क ये है कि आज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स रस्तों की इतनी ज़रूरत नहीं है, 3 की ज़रूरत है। 1, पानी पानी पानी, वाटर रिसोर्सेस,
डैम्स जो हमें बनाने हैं वो अटके पड़े हैं। नंबर दो, हमारा जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वो बिल्कुल ही 50 साल पुराना हो चुका है, उसको मॉडर्नाइज करना है। और तीसरा, तालीम और सेहत, ये हुए चार प्रायोरिटीज। जो डार साहब ने 2013 से 17 में किया और जो मौका परवेज मुशर्रफ खो बैठे इकॉनमी को ठीक करने का, वो हर रोज आपको मिलता नहीं है। हर रोज इंटरनेशनल हालात इतने फेवरेबल होते नहीं है कि आप मुश्किल रिफॉर्म करें और लोगों को तकलीफ कम हो। देखिए, ये तो दुनिया में कहीं सही साबित नहीं हुआ कि आप अपनी इकॉनमी को ग्रो करें एक्सपोर्ट्स की बेसिस पे नहीं, यानी दुनिया को चीजें बेचने की बेसिस पे, इंपोर्ट्स की बेसिस पे आप इकॉनमी को जो है वो ग्रो करें कि मैं जो है वो किसी तरीके से फाइनेंस करूंगा कि मेरी कॉम जो है वो दुनिया से चीजें मंगवा सके, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना हो। अगर बैलेंस करने के लिए कुछ ना हो, एक्सपोर्ट्स ना हो, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आए, रेमिटेंसेस ना आए, तो फिर वो जो आप इंपोर्ट करते हैं मशीनरी, आप जो इंपोर्ट करते हैं खाने पीने का सामान, आप जो इंपोर्ट करते हैं गाड़ियां, उससे जो है वो कारोबार तो होता है, लेकिन उस सब के लिए आपको डॉलर्स में कर्जे लेने पड़ते हैं और वो जो कर्जों का बोझ है वो कि आपकी इकोनॉमी को डूब बैठता है। तो 2017-18 में तो ये हाल हो गया था। और अगर आपको याद है, जब पहली बार मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने शदीद तनकीद की थी इसाक डार की पॉलिसीज की और इमीडिएटली इसको टर्न अराउंड कर दिया था, क्योंकि उस साल में 2017-18 में सारे जो ग्लोबल थिंक टैंक्स थे, जो ग्लोबल इदारे थे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। तो वो भी जिम्मेदार है, मुशर्रफ का टाइम इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो, उसको हम एक टेक्नोक्रैट हुकूमत कह सकते हैं। आजकल टेक्नोक्रैट हुकूमत का भी बड़ा शोशा होता है, लेकिन उस टेक्नोक्रैट हुकूमत ने भी अफसोस के साथ एंड में वो इकदाम ना लिए जिनसे इकॉनमी सही सिमत पे जा सकती थी। ये जो एक्सचेंज रेट की एक आप कह रहे हैं, इसका एक इनकी मोहब्बत है PMLN की, और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो एक्सचेंज रेट से मोहब्बत है ये सिर्फ इसहाक डार साहब की नहीं है, ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की भी है। और ये अल्लाह मग़फ़रत करे उनकी मरहूमा जो बेवा उनकी वाइफ थी, उनकी भी मोहब्बत एक्सचेंज रेट से बड़ी ज़्यादा थी। मेरे पास कुछ ऐसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि जो इनकी फैमिली के अंदर डिस्कोर्स होता था, डिस्कशन होती थी, उसके अंदर भी ये जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट है वो डिस्कस होती थी। अगर उस दौर में भी 30 पैसे या 1 रुपये ऊपर नीचे मूवमेंट हुई जो काम होती थी, बट वो भी डिस्कस होती है क्यों बढ़ा। जब आप प्योर इकोनॉमिक मैटर्स जो हैं वो आप इस तरीके से हैंडल करेंगे फैमिली मैटर्स के तौर पर, तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये एक है तो बड़ा इकोनॉमिक और बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि अगर रुपया मजबूत होगा तो उसका आपकी मैशियत के ऊपर क्या असरात है। देखिए, अगर तो आप लेमैन की बात करते हैं, लेमैन के लिए मजबूत रुपया एक अच्छी चीज़ है। मजबूत रुपये का मतलब ये है कि आपकी महंगाई जो है, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसको आप बोलते हैं, वो कम है। वो क्यों कम है? पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसका 80% तक उसकी जो नीड्स हैं इंडस्ट्रियल, आप उसमें रॉ मटेरियल्स ले लीजिए, आप उसमें सेमी फिनिश गुड ले लीजिए या फिनिश गुड्स ले लीजिए, 80% हमारी इंपोर्ट्स होती हैं। तो जब इतनी ज़्यादा इंपोर्ट होती है और प्राइस अगर स्टेबल रहती है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन भी लार्जली स्टेबल रहती है। अगर आप वो पीरियड उठा के देखें 2013 से 18 वाला, उसमें आपको दो चीज़ें, बल्कि मेन उसमें आप देखेंगे ओवरऑल इन्फ्लेशन स्टेबल थी क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल था। दूसरा उस वक्त ये था कि ग्लोबल कमोडिटी जो प्राइसेस थी, आपकी खुर्दनी तेल है, आपका दूसरा आपका फ्यूल है, वो जो था वो भी उसकी प्राइसेस भी लो थी, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लो रही, लोगों ने उसका बेनिफिट रीप किया। आपकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट थी एक्सटर्नल, वो कम रही क्योंकि आपका एक स्टेबल रुपया था। अच्छा, अब ये उसकी ये थोड़ी पॉजिटिव साइड। उसकी जो नेगेटिव साइड है, जिसका आज भी बात की जाती है कि उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ, वो जो बड़ा नुकसान है तो वो कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? अच्छा, उसके भी आगे फिर काउंटर आर्गूमेंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि जब रुपया स्टेबल था तो इम्पोर्ट्स करना आसान हो गया, बजाय इसके कि पाकिस्तान में कोई आप चीज़ बनाते, आपके लिए चीन से वो चीज़ दरामद करके बेचना सस्ता था क्योंकि इम्पोर्ट्स आपकी सस्ती होगी, रुपया आपका एक जगह पर पैक था। एक ये नुकसान।
दूसरा नुकसान ये जो कि शायद उस हद तक ठीक बात नहीं, लेकिन एक इकोनॉमिक थ्योरी है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो दुनिया की ममालिक के साथ आप तजारत करते हैं उसके मुकाबले में अगर वहाँ पे जो महंगाई है और उसको आप एडजस्ट करते हैं अपने एक्सचेंज रेट से, तो अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका एक्सचेंज रेट हो तो अगर वो पॉजिटिव हो या जो भी उसकी एक वैल्यू आप डिटर्मन कर लें, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका जो है एक्सचेंज रेट वो अगर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रुपया होगा तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर होगी, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है, अगर ये वाला आर्गुमेंट ले लें कि रुपये की कदर मजबूत रखने से पाकिस्तान की बरामदात को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ, तो ये आर्गुमेंट शायद ठीक नहीं है। पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान की जो रुपये की कदर में 56% कमी हुई है। इसी अरसा में आप अपने एक्सपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, वो या वहीं पे खड़ी हैं बल्कि पहले से कम हो गई हैं, मंथ ऑन मंथ वो वेरी करता है। तो ये वाला जो एक आर्गुमेंट दिया जाता था कि जी नहीं एक मजबूत रुपये से आपकी बरामदात का नुकसान होता है, ये आर्गुमेंट तो पाकिस्तान के केस में फेल हो चुका है। हाँ, उसकी वजह से दरामदात सस्ती हुई जिसकी वजह से फिर आपकी रुपये की डिमांड में इजाफा हुआ, जब रुपये की डिमांड में इजाफा हुआ तो फिर इवेंचुअली उसकी वैल्यू पर फर्क पड़ा। अब ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है कि आप किस साइड के आर्गुमेंट्स लेते हैं और किससे नहीं लेते, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई है उसके अंदर जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके एक रुपए की कदर में कमी होना है। हमारी तीन वजूहत की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है, आपका रुपया बेताशा गिरा 56% एक साल में, हुकूमत पाकिस्तान को बिजली की, गैस की और इंपोर्टेड फ्यूल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम में थे और ये चीज़ें आपके बारे नहीं खरीदी, सब्सिडीज आपको ख़त्म करना थी। तीसरा फिर आपका फ्लड रिलेटेड जो फूड शॉक आया, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। ना सिर्फ इसका है जो आपका एक कमज़ोर रुपए का इम्पैक्ट आपकी महंगाई पर, इसका जो दूसरा नुकसान हुआ कि पिछले माली साल में जो पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा हुआ, अच्छा खासा इजाफा हुआ, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्राम द एक्सचेंज रेट आई वो कोई 6.1% ऑफ दी GDP पाकिस्तान की इकॉनमी के साइज से। तो इसके दोनों साइड की, इसकी फेवर में भी इसके आर्गूमेंट्स हैं और इसके अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट्स हैं। आज ही एक रिपोर्ट जारी की IMF ने उनके लिए मिडिल ईस्टर्न सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट में, उसके अंदर एक कंट्री के बारे में उन्होंने लिखा कि उसने अपना जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उसका जो उसकी जो करेंसी है वो डॉलर के साथ पैक है, मतलब तो उसका फिक्स रेट है। तो पैक करेंसी वाली जो कंट्री है वहाँ पे महंगाई कम है। अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ ट्राइंग टू फॉलो द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट एंड इक्वेशनल फिक्स एक्सचेंज रेट, हमारी जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है।